नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें ये लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, या कोई चमत्कार ही इस चीज़ों को ठीक कर सकता है, या कोई चमत्कार ही, कोई मिरेकल ही, कोई मैजिक ही इस चीज़ को वैसा कर सकता है जैसा हम चाहते हैं। मन एकदम डर से भर जाता है, हताशा से भर जाता है, और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसके लिए हमने पहले भी वुल्फ मैजिक की बात कर रखी है, लेकिन ये वुल्फ मैजिक से थोड़ा डिफरेंट है। ये ऐसा है कि जब आपको उम्मीद ख़त्म है, आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे कि ऑफिस से कोई स्पेशल बोनस, या फिर कोई टिकट का कन्फर्म होना, या फिर जैसे कि अभी मैं बहुत यात्राएं करता हूं तो मेरी कभी भी टिकट कंफर्म नहीं होती, लेकिन अब टिकट का फिर भी मैं ट्रेन में, फ्लाइट में बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच करके आराम से अपनी जर्नी कर पा रहा हूं। तो इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखते हुए, खुद में आजमाते हुए ही इन पुराने स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स को मतलब कि अपने नोट्स में से बाहर निकाला, और मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको मिरेकल की ज़रूरत पड़े, जब भी कभी मैजिक की ज़रूरत पड़े, तो ये स्विच वर्ड और ये एंजल नंबर आपके ज़बरदस्त काम आएंगे। वीडियो के आखिर में मैं एक टेक्निक बताऊँगा कि उसे किस तरह से तैयार करते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से करने आ जाएगा और आप उसे कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मिरेकल की, यही वो स्विच वर्ड है, यही वो स्विच वर्ड है, मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। जब भी हमें मिरेकल की ज़रूरत है, जब भी हमें मिरेकल चाहिए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सीधा लग रहा है कि आप लेट हो रहे हैं, लेट होने वाले हैं, आपको जल्दी पहुँचना है, तो आप मिरेकल, 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 किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मिरेकल, 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 ये इंचेंट करना शुरू कीजिए। समझ में आने वाली बात यह है कि किसी भी स्विच वर्ड में अपनी खुद की शक्ति नहीं होती, वो स्विच वर्ड शक्ति से भरने के लिए तैयार होता है। जब आप इसे पूरे विश्वास के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ जब इसे आप इंचेंट करते हैं आप, तो वो एक किसी बैटरी की तरह पावर से भरने लगता है, और वो पावरफुल होकर के किसी तीर की तरह जा कर के अपना काम करता है। मतलब उन शब्दों में अपनी कोई शक्ति नहीं है, आप की दृढ़ता और आपके विश्वास से शक्ति मिलती है। तो पहला स्विच वर्ड है मिरेकल, और दूसरा स्विच वर्ड है मैजिक। जब आपको मैजिक की ज़रूरत है, जब आपको लगता है कि अब तो कुछ जादू ही चलना चाहिए, अब तो कुछ जादू ही चाहिए, अब तो कुछ जादू ही कर दो तो ये चीज़ें हो जाए, जैसे कि आपका कोई चाबी खो गया है, जैसे कोई आपका सामान खो गया है, और आपको लग रहा है कि कुछ तो जादू हो जाए, कुछ तो जादू हो जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो बस मैजिक, मैजिक। इन दोनों स्विच वर्ड को मिला करके हम ऐसे कह सकते हैं, मिरेकल मैजिक नाउ डन, या मैजिक मिरेकल नाउ डन। ये ना हमारे सबकॉन्शियस को एकदम क्लियर मैसेज देता है कि मिरेकल मैजिक नाउ डन, कि ये कोई जादू हो रहा है, हो गया है, हो गया है। तो फिर हमारा जो पूरा जो अंदर का अस्तित्व है, वो ऐसी फ्रिक्वेंसी छोड़ने लगता है जिससे हमारे आसपास के यूनिवर्स में वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है, वो हो जाती है जो हम अपने इनर वर्ल्ड में क्रिएट कर चुके हैं। तो मिरेकल मैजिक नाउ डन, या मैजिक मिरेकल डन नाउ, इनको आपस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन नाउ मैजिक मिरेकल, नाउ डन मैजिक मिरेकल, सब हो सकता है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब इसके साथ दो एंजल नंबर्स पे लिख लीजिए। मिरेकल के लिए एंजल नंबर है 519-7148M। M ज़रूर लिखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एंजल नंबर है मिरेकल के लिए, और अब हम मैजिक के लिए भी एक एंजल नंबर लिख लेते हैं, 8,080,937,643P। पी ज़रूर लिखना, पी फॉर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये स्विच वर्ड लिखना, इसको बॉडी के लेफ्ट पार्ट में लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे। स्विच वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पर पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो देख सकते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि लेफ्ट पार्ट में करना क्यों करते हैं, ये भी उस वीडियो में बताया हुआ है। तो इन दोनों स्विच वर्ड को लिख लो,
मिरेकल और पॉसिबिलिटी दोनों एक साथ होंगी, मैजिक होगा और इंचेंट करते रहो, मिरेकल मैजिक डन नाउ। जब भी इस तरह के इंचेंटमेंट करते हैं ना, जब भी हम मैजिक चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो चेहरे में एक दिव्य मुस्कान होनी चाहिए, एक जादुई मुस्कान होनी चाहिए। आपको खुद को ये बिलीव होना चाहिए कि ये मैजिक आप ही कर रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, ये कि यूनिवर्स ने अलाउ कर रखा है कि ये मैजिक आप करो उनके थ्रू। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी बहुत बड़ी मशीन ने ये अलाउ कर रखा है कि आप उसके थ्रू ये सारे काम कर सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही विश्वास रखें, वैसा ही चेहरे पर मुस्कान रखें, और जब भी इंचेंट करें तो चेहरे में एक मुस्कान रख के करें कि मिरेकल मैजिक नाउ डन, मिरेकल मैजिक डन नाउ। और खुशी के साथ, मतलब कि जो चीज़ हो जाने के बाद जो खुशी आप फील करने वाले हो ना, उसे आप अभी से फील करना शुरू कर दो, क्योंकि इमोशंस ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो वर्ड्स को, आपके थॉट्स को पावर देते हैं। यूनिवर्स के सामने जब आप अपने इमोशंस को वैसे रख देते हो ना जैसा कि हो जाने के बाद होता, तो यूनिवर्स उसे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर देता है, क्योंकि आप अभी से थैंकफुल हो, अभी से ही आप बिल्कुल बिलीव कर रहे हो कि ये चीज़ हो रही है। तो ये जादू ज़रूर करना। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।